स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। इस चैनल में हम सीखेंगे केमिस्ट्री, वो भी तेरों कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज है हमारा पहला लेक्चर एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 1 जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट होल्ड्स टू आर मोर एटम्स आर आयंस टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। यानी कि वो फोर्स है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को या आयंस को आपस में जोड़ के रखती है, उसको हम कहते हैं दैट इज केमिकल बॉन्ड। आपके सामने लिखी है मिसाल के तौर पर, ये आपको फिगर में नजर आ रहा है कि किस तरीके से एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर लिंक्ड हैं। सिमिलरली एक और मिसाल हम लिखते हैं यहां पर, फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन एटम है आपके पास, हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इन दोनों को एक लाइन के जरिए से आपस में जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास जो लाइन है जो दो एटम्स को जोड़ रही है, इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब एटम क्या चीज है, इस चीज का तस्वीर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एटम हम कहते हैं कि एक बुनियादी यूनिट है हर शय का। साइंसदान ये कहते हैं कि मैटर जो है, मैटर कहते हैं मादे है, मादे को, और मादे के बारे में आपको मालूम है कि हर वो शय जो वजूद रखती है, जो वजन रखती है, जो जगह घेरती है। मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम एक बुनियादी इकाई है। यूं समझ लें आपने दीवार बनानी है, तो दीवार के लिए बुनियादी इकाई क्या है आपके पास? ईंट। ईंट जो है वो दीवार की। इसी तरीके से हर शय की बुनियादी इकाई एटम है। तो एटम से मिलकर ये चीजें बनाई जाती हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है, व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अरे भी एटम्स को क्या जरूरत है बॉन्ड बनाने की? तो बहुत सिंपल, आप लोग मेहनत करते हैं कुछ ना कुछ बनने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को मुस्तहकम क्याम पदीर कर ऐसी हालत पे खुद को लाना चाहते हैं आप, ताकि आपको कोई और तंग ना कर सके। तो बिल्कुल एटम भी ऐसा ही चाहते हैं। एटम्स खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ताकि उनका वजूद कायम रह सके, उनको कोई तंग ना कर सके। तो इसलिए एटम्स भी केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो फर्स्ट जो उसका ऑप्शन होगा हमारे पास आंसर का, कि एटम्स वांट टू बिकम स्टेबल, एटम्स क्याम पदीर होना चाहते हैं, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। अब दूसरी बात जो मेरे माइंड में आ रही है कि वो ये है कि भाई एटम्स बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, इस चीज की क्या गारंटी है कि वो बॉन्ड बनाएंगे और वो स्टेबल हो जाएंगे? और क्यों ऐसा होता है कि जब एटम बॉन्ड बना लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है? जी सोचिए जरा, एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो होता यह है, जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाते हैं। वैलेंस शेल होता है कंप्लीट। जब वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा तो कोई भी बैरूनी एटम, कोई और एटम आकर उसको तंग नहीं करेगा कि बॉन्ड बनाओ, तो वो स्टेबल रहेगा। तो इसलिए एटम्स वांट टू बिकम स्टेबल, एंड हाउ दे बिकम स्टेबल, दे कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल को वो कंप्लीट करते हैं है, और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब वो वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि नोबल गैसेस हैं उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है तो वो स्टेबल होती हैं। इसी तरीके से ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेता है, और कंप्लीट करने के बाद ये भी क्या हो जाता है? स्टेबल। सो टू बिकम स्टेबल बाई कंप्लीटिंग देयर वैलेंस शेल लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching. Allah Hafiz.